नमस्कार साथियों, फिर से एक बार स्वागत है एक नई वीडियो में और स्वागत है आपका फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल में। तो क्या आपको कमजोरी रहती है? क्या आपके अंदर जो है ताकत की कमी हो गई है? क्या आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है? क्या आप तनाव के शिकार हैं? क्या आपको डिप्रेशन हो गया है? क्या आपको नींद अच्छे से नहीं आती है? क्या आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है? तो आज हम इसी से रिलेटेड एक सीरप की बात करेंगे जिसका नाम है क्यूरोकोन डीएस प्लस सीरप। क्यूरोकोन डीएस प्लस सीरप ये क्या है जानेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। ये कितने का पाया जाता है, इसका MRP कितना है, इसके क्या क्या कंपोजिशन है, इसको कैसे लेना है, कब लेना है और इसके क्या क्या यूजेज हैं और क्या साइड इफेक्ट हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्यूरोकोन डीएस प्लस सीरप जो है ये एक इंक्रीज हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स होता है। ये न्यूट्रिटिव एंड रेस्टोरेटिव हर्बल टॉनिक फॉर ऑल एज ग्रुप के लिए आता है। ये नेचुरल हेल्थ रेस्टोरेटिव होता है। आयरन मिनरल्स विटामिन एंड मोर, इसके अंदर आयरन मिनरल्स एंड विटामिन पाए जाते हैं। तो इसके सबसे पहले कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो साथियों, जो इसके कंपोजिशन है वो फेरम इसके अंदर पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर जो है लौह भस्म पाया जाता है, मंडूर भस्म पाया जाता है, नाग बाला पाया जाता है, अग्निमंद पाया जाता है, जटा मानसी पाया जाता है, हरड़ पाया जाता है, बहेड़ा पाया जाता है, आंवला पाया जाता है, विदारी कंद पाया जाता है, अश्वगंधा इसके अंदर पाया जाता है। तो इसके जो कंपोजिशन है वो जड़ी बूटियाँ हैं, हर्बल है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। अब इसके यूजेज के बारे में बात करेंगे तो जो कमजोरी है कमजोरी को दूर करता है, आयरन की कमी हो गई है तो आयरन की कमी को दूर करता है, विटामिन की कमी दूर हो गई विटामिन की कमी को दूर करता है, शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है, मिनरल्स इससे मिलते हैं जिससे शरीर में कमजोरी दूर होती है। अब ये न्यूट्रिटिव एंड रेस्टोरेटिव हर्बल टॉनिक फॉर ऑल एज ग्रुप होता है। अब इसके और क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, वो क्या क्या यूजेज हैं, थोड़ा उनके बारे में प्रकाश करेंगे, यूजेज के बारे में जान लेते हैं। तो ये एनीमिया को दूर करता है, जो कमजोरी होती है उसको दूर करता है, जो भूख नहीं लगती है उसकी कमी इसके पीने से भूख लगने लगती है, स्ट्रेस को दूर करता है, नींद नहीं आती है उसको दूर करता है, इसके पीने से पोषक तत्व हमें मिलते हैं। तो साथियों ये इसके यूजेज थे, यानी कि आपके शरीर में कमजोरी को दूर करेगा और स्ट्रेस को दूर करेगा, भूख बढ़ाएगा और जो तनाव रहता है स्ट्रेस रहता है उसको दूर करेगा, हाथ पैरों में दर्द रहता है उसको दूर करेगा। अब ये कैसे लेना है, तो ये दो दो चम्मच जो है सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है, सुबह शाम लेना होता है। अब ये कितने दिन तक लेना है, ये 3 महीने तक लेना है, तो 3 महीने तक लेना है। और अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो देखिए इसके वैसे तो ये पूर्णतः आयुर्वेदिक है, फिर भी इसको पीने के बाद लूज मोशन आपको हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग आपको हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं। तो यदि ये सब समस्याएं होती हैं तो तत्काल प्रभाव से इसका सेवन बंद कर दें और अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो साथियों आज हमने जाना क्यूरोकोन डीएस प्लस सीरप के बारे में, जो धन्वंतरी कंपनी का एक सीरप है और ये जो है इसकी जो पैकिंग आती है वो 165 MRP इसका होता है और ये क्या है लगभग बहुत अच्छा सीरप होता है। तो यदि आपके शरीर में कमजोरी है या आपको खून की कमी है, आयरन की कमी हो गई है, मिनरल्स की कमी हो गई, विटामिन की कमी आपके शरीर में हो गई, तो आप इस सीरप का इस्तेमाल करें और स्वास्थ्य लाभ लें। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी क्यूरोकोन डीएस प्लस सीरप के बारे में जो हमने दी आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य शेयर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इसी तरह की मनोरंजनपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।